आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फाइव यानी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है हमारे पास गिवन गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एलॉग्रिदम और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ़ पी एक्स इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ़ क्यू एक्स पहले तो हमें डिवीजन एलाग्रिथम समझना होगा क्या है ठीक है जैसे हम डिवाइड करते हैं नाइन को टू के साथ तो टू फोर 8 एट और रिमाइंडर क्या बचा वन तो इसमें क्या है जो हमारे पास टू है टू क्या है हमारे पास डिवाइज़र टू है हमारे पास डिवाइज़र और डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं जी एक्स ठीक है डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं जी एक्स और इसी तरह हमारे पास क्या आ गया नाइन नाइन है हमारे पास डिविडेंट और इसे हम बोलते हैं पी एक्स ठीक है और उसके बाद हमारे पास क्या आया रिमाइंडर रिमाइंडर हमारे पास क्या है वन रिमाइंडर को हम क्या बोलते हैं आर एक्स और फोर फोर हमारे पास क्या है क्वेश्चन अब इन्होंने क्या बोला है डिग्री ऑफ़ पी एक्स किसके इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ़ क्यू एक्स मतलब हमारे पास डिविडेंट और कोशेंट इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ऐसी कोई हमने एग्ज़ाम्पल देनी है तो हम पी एक्स और क्यू एक्स की कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हमने ट्राई करना है ईजी से इजी एग्जाम्पल जैसे पहले हम दो तीन एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे हम लेट कर लेते हैं पी एक्स पी एक्स आ गया हमारे पास एक्सकेयर और क्यू एक्स क्यू एक्स जिससे हमने यानी जी एक्स सॉरी पी एक्स नहीं जी एक्स या जी एक्स और तो जी एक्स को हम लेट कर लेते हैं वन ठीक है पी एक्स को हमने एक्स केयर लेट कर लिया और जी एक्स को हमने वन लेट कर लिया तो इसको डिवाइड करते हैं तो एक्स एक्सकेयर को वन के साथ डिवाइड किया तो एक्स स्यर एक्स केयर और रिमाइंडर क्या रह गया हमारे पास जीरो अब देखो हमारे पास इन्होंने क्या बोला था डिग्री ऑफ़ पी एक्स और डिग्री ऑफ़ क्यू एक्स यानी डिग्री ऑफ़ डिविडेंट और डिग्री ऑफ़ कोशंट दोनों इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ देखो दोनों की डिग्री इक्वल है तो डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स दोनों क्या है इक्वल है तो यहाँ हमने अब चेक करना है ये हमारे पास डिवीज़न एलॉग्रिथम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डिवीज़न डिवीज़न अलग्रिथम होता क्या है जैसे हमने नाइन को टू के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास डिविडेंट इक्वल होना चाहिए डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक है देखो फोर इंटू टू एट प्लस वन नाइन यानी हमारा यहाँ बिल्कुल है अब हमने यहाँ भी चेक करना है तो यहाँ हमारे पास डिविडेंट कितना है एक्स केयर है तो हमारे पास डिवाइजर कितना है वन है और क्वेश्चन कितना एक्स केयर है और रिमाइंडर कितना है जीरो है तो एक्स केयर इक्वल टू एक्स केयर तो यानी हमारा जो ये हमने लेट किया बिल्कुल सही है और डिग्री ऑफ पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के इक्वल है, है। इसकी भी टू डिग्री और इसकी भी टू डिग्री है अब जरूरी नहीं आप ये सबसे ईजी एग्जाम्पल थी आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो ठीक है बस हमने अगर पी एक्स और क्यू एक्स का डिग्री इक्वल करनी है तो हमारे पास जो जी एक्स होगा वो कॉन्सटेंट होगा ठीक है आप चाहे क्यूबिक डिग्री पी एक्स को क्यूबिकलेक्ट कर सकते हो जैसे आप एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन कुछ भी लेट कर लो ठीक है टू एक्स केयर ठीक है एक्स प्लस वन और जी एक्स को आपने क्या लेट करना है वहाँ वन लेट कर लो चाहे टू लेट कर लो ठीक है तो आप अगर इससे डिवाइड करोगे एक्स क्यूब टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन तो अगर आप वन से डिवाइड करोगे तो पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसर ठीक है फिर आपके पास टू एक्स स्केयर आया फिर आप टू टू एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स स्केयर ये भी कैंसिल फिर एक्स आया तो आप एक्स के साथ करोगे एक्स भी कैंसिल फिर लास्ट में वन वन देखो आपके पास क्या है यहाँ ज़ीरो रिमाइंडर आ गया ठीक है अब आपके पास देखो फिर डिविडेंट और क्वेशन दोनों की डिग्री क्या सेम है मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जरूरी नहीं आपने यही एग्जांपल लेनी है या ये एग्जांपल लेनी है बस आपको ये याद रखना है अगर आपको डिविडेंट और क्वेश्चन की डिग्री सेम पूछी है तो आपका जो डिवाइजर है वो कांस्टेंट होना चाहिए तभी आपकी जो डिग्री है वो सेम आएगी अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर अब हमारे पास डिग्री ऑफ़ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ़ आर एक्स ये दोनों सेम होने चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्यू एक्स हमारे पास क्या है क्वेंट और आर एक्स हमारे पास क्या है रिमाइंडर अब हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों क्या होने चाहिए दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो जब हमने कोशेंट और रिमाइंडर को सेम करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पी एक्स यानी डिविडेंट लेट कर लेंगे डिविडेंट आप एक्सकेयर लेट कर लो ठीक है अब हमारे पास क्या है डिवाइजर तो जी एक्स को आप लेट कर लो एक्स केयर ठीक है अब हमने क्या करना है एक्सकेयर को एक्सकेयर के साथ डिवाइड करना है तो यहाँ वन आ जाएगा तो एक्सकेयर से एक्सकेयर तो रिमाइंडर क्या आ गया, गया? ज़ीरो अब देखो इन्होंने क्या बोला है डिग्री ऑफ क्यू एक्स यानी क्वेश्चन अब क्वेश्चन कॉन्स्टेंट है इसके साथ कुछ एक्स तो है नहीं तो इसकी डिग्री क्या होगी ज़ीरो और डिग्री ऑफ रिमाइंडर रिमाइंडर भी जीरो है इसके साथ भी कोई एक्स नहीं तो उसकी भी डिग्री क्या होगी ज़ीरो ही होगी ठीक है तो हमारे पास क्या है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स दोनों इक्वल हो गए आप इससे डिवीजन एलोग्रिजम भी चेक कर सकते हो हमारा सही है तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा डिविडेंट डिविडेंट हमारे पास कितना है एक्स केयर और डिवाइजर हमारे पास एक्स केयर और क्वेश्चन वन और रिमाइंडर क्या है ज़ीरो तो एक्स केयर इंटू वन एक्स केयर तो ये हमारा प्रूफ हो गया यानी हमने जो लेट किया बिल्कुल ठीक है आप एक्स क्यूब एक्स क्यूब लेट कर सकते हो ठीक है क्यूबिक इक्वेशन पोलिनोमियल ये भी ही है अगर आपको कोई कहे ये पॉली ये भी पोलिनोमियल है ठीक है आप एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब कुछ भी लेट कर सकते हो आप ऐसे भी लेट कर सकते हो ठीक है पी एक्स एक्स क्यूब और क्यू एक्स एक्स क्यूब इसका भी हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा और क्वेश्चन क्या आ जाएगा वन आ जाएगा अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर अब हमारे पास डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल होनी चाहिए जीरो के यानी हमारे पास जो डिग्री है वो अभी हमने जो पिछली एग्जाम्पल किया आप वही इलेक्ट कर सकते हो ठीक है पी हमने क्या अलर्ट किया था यानी डिविडेंट हमने क्या अलर्ट किया था एक्स के डिवा, ए, और डिवाइज़र हमने क्या अलट किया वो भी क्या है एक्स के अब इन दोनों को डिवाइड करो एक्स के एक्स केयर के साथ वन तो देखो हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी एक्स नहीं है तो उसकी डिग्री हमारे पास क्या आ गई ज़ीरो तो डिग्री ऑफ आर एक्स आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव इस तरह हमारी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री कम्प्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स